हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू टेक्निकल केबीजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए गाइस, जब भी आप किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं तो आपको फाइंड आउट करने के लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना चाहिए। और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट होता है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रेंड लाइन की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो अभी मार्केट किस दिशा में जाना चाहता है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। अगर आप बिगनर पर्सन हैं तो आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की नई और लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को ओपन कर रखा है। अभी आप देख पाएंगे EURJPY का पेयर हमने यहाँ से ओपन कर रखा। देखिए गाइस, ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है आज हम कंप्लीट जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे गाइस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका क्या है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका कुछ इस तरीके से है गाइस। जब भी आप किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहीं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को उठाएंगे। अभी गाइस हम मेटा ट्रेडर 4 के अंदर हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की है। थोड़ा इसको सेट कर लेंगे गाइस अच्छे से। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ने जैसे ही इसको रिस्पेक्ट किया, थोड़ा ऊपर जाएगा प्राइस। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी बार यहाँ पे आया टेस्ट करने के लिए। ठीक है, फाइनली यहाँ पे प्रयास किया, जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, आप देखेंगे गाइस प्राइस कितना नीचे तक पहुँच गया है। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए गाइस। ठीक है, जूम इन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ पर कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल में क्या है, स्क्रीन छोटी होती तो दिक्कत आती है थोड़ी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को मोबाइल में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको जूम इनमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको जूम आउट कर लें थोड़ा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान होता है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से आप काम करिए और चीज़ों को समझ के काम करिए। देखिए गाइस, हमने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, टेस्ट किया, इसके बाद यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट किया और इसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया तो आप देखेंगे गाइस प्राइस ऊपर की तरह मूवमेंट दिखाने लगा। ठीक है, इसके बाद गाइस आप यहाँ पर एक और भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना बहुत आसान है गाइस, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो इसको आप चाहें तो यहाँ तक ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे टेस्ट किया प्राइस, दूसरी बार यहाँ टेस्ट करने आया, तीसरी बार यहाँ आया, ब्रेकआउट दे दिया। देखिए ठीक है, काफ़ी लंबी कैंडल हो गई तो यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा ऊपर आता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है, आपने जो ट्रेंड लाइन रखी है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दें। इसके बाद आपका जो टारगेट है 1:2 आसानी से यहाँ पे अचीव हो जाएगा। देखिए गाइस, ट्रेंड लाइन बार बार हर जगह आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपका जो भी कैंडलस्टिक चार्ट है उसके ऊपर बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेसिकली जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफार्म के अंदर आप जाएंगे तो ट्रेंड लाइन आपको आसानी से मिल जाएगी और किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है,
तो ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप बहुत आसान तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए गाइज यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए गाइज, जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, फाइनली यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे प्राइस पुनः टेस्ट करने के लिए आया, लेकिन नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस फाइनली ऊपर की तरफ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपको इस तरीके से भी काफ़ी सिग्नल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तो आप यहाँ पे ठीक है, ये इसका जो सपोर्ट लेवल है आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कहाँ चले गए। चलिए ये देखिए गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एक और ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे। जैसे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करता है प्राइस, तो आप यहाँ पे आपका एंट्री ले लेंगे। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही गाइस, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रख देंगे एंड आपका जो प्रॉफिट है 1:2 बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। तो गाइस बहुत आसान होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, और भी अच्छे से अगर आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ। देखिए गाइस, हमने जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे हर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। देखिए ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो इसकी जो नेक लाइन है उसको आप काट सकते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है कैंडल का, वो नहीं कटना चाहिए। ठीक है, ये आपको जब भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो इस चीज़ का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कैंडल की जो बॉडी है वो नहीं कटना चाहिए, जो शेडो है वो चाहे कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, देखेंगे आप काफ़ी नीचे तक प्राइस गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप अच्छे से गाइस बार बार आपका जो भी कैंडल स्टिक चार्ट है, जिस भी स्टॉक मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आप बहुत आसानी से ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही कम टाइम में गाइस ये अच्छे से सीख जाएंगे, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना अगर आप सीख गए बहुत अच्छे से गाइस, आप समझ पा रहे हैं मार्केट किस तरीके का बिहेव अभी करने वाला है, मतलब मार्केट अभी किस दिशा में जाना चाहता है। ठीक है, आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरीके की नई और भी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई और भी लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।